आज मैं आपको भगवान राम के बारे में सुनेन सुने 10 किस्से बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के दो जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है।